और चलिए अब बड़ी खबर के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं ग्वालियर का। ग्वालियर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रघुराज कसाना को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। हत्या के प्रयास का केस वापस लेने से एमपी एमएलए कोर्ट ने इनकार किया है। कसाना के खिलाफ मुरैना कोतवाली में दर्ज है मामला। शासन की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में केस वापसी की गुहार लगाई थी। केस वापस लेना न्यायहित लोक हित में नहीं है, कोर्ट का कहना है। ये कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात कही है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, रघुराज कसाना को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। हत्या के एक प्रयास का केस वापस लेने से कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने मना कर दिया कि इस प्रकार के केस को हम वापस किसी भी हाल में नहीं लेंगे। साफ तौर पर कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले को वापस लेने से इनकार किया। कसाना के खिलाफ मुरैना कोतवाली में दर्ज है हत्या के प्रयास का मामला। शासन की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने केस लगाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हम इस मुकदमे को वापस नहीं ले सकते। किसी भी स्थिति में इस मुकदमे को वापस नहीं लिया जा सकता। ये बड़ा झटका लगा है रघुराज कसाना को। तो कसाना के खिलाफ मुरैना कोतवाली में दर्ज है हत्या के प्रयास का मामला। हत्या के प्रयास का मामला मुरैना कोतवाली में दर्ज है। कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है केस वापस लेना न्यायहित नहीं है, लोक हित में नहीं है। ये बात कोर्ट ने कही है। तो कसाना को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। हत्या के प्रयास का केस वापस लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। मुरैना कोतवाली में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। शासन की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में केस वापसी की थी। तो हत्या के प्रयास का केस वापस लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और शासन की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में ये केस लगाया गया था, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।